हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप माई जियो ऐप्स चलाते हो? क्या आपके पास जियो सिम है? दोस्तों, अगर आपके पास जियो सिम है और माई जियो ऐप्स आप यूज़ करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले करता हूँ मैं एक गुजारिश, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल का आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ माई जियो ऐप्स यूज करने का तरीका। दो तरीका होता है दोस्तों। एक तरीका है कि आप जब माई जियो ऐप्स करो ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको ये नंबर देख रहे हैं ना, इस नंबर पे आप सोचिए रिचार्ज करना है। आप इस नंबर पे रिचार्ज में जाइएगा। सोचिए इसी नंबर पे रिचार्ज करना है आपको। उसके बाद देखिए आपको कितने का रिचार्ज करना है। 399, ज़्यादातर 399 रिचार्ज करते हैं। 399 में या 349, लेकिन 149 पे 50 rupees का जो कूपन है वो 149 पे नहीं होगा दोस्तों, लेकिन 399 पे होगा। मतलब आपका लगभग 150-200 rupees जैसे कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा वो कैसे होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं माई जियो ऐप्स से जो रिचार्ज होता है 50 rupees का डिस्काउंट, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप 399 या 349 जो भी एक सिलेक्ट कीजिए और बाय पे क्लिक कीजिए। तो बाय पे क्लिक करने के बाद देखिए तो अमाउंट पे विल 349, लेकिन उसमें आप अप्लाई में कीजिए 150 rupees का एक कूपन क्लिक कीजिए। ये देखिए 50 rupees ऑफ दिखा रहा है, अमाउंट पे विल 50 rupees ऑफ। दोस्तों, ये 50 rupees ऑफ किसके लिए है? इन्हीं को मिलेगा जो पुराना यूजर है जियो का। मतलब 2018 से पहले जिसने ये सिम खरीद के रखा है उसी को मिलेगा ये 50 rupees का रिचार्ज। और जिन लोगों ने FRC करते समय 399 का FRC किया था, इन्हीं लोगों को मिलेगा ये 50 rupees का डिस्काउंट। ठीक है, तो नए लोगों को नहीं मिलेगा। 2018 के बाद, जनवरी के बाद जिस लोगों ने ये रिचार्ज सिम ख़रीदा है और 399 का रिचार्ज किया, उन लोगों को नहीं मिलेगा। उससे पहले जो लोग रिचार्ज किया था, सिम खरीदा था, इसी को मिलेगा 50 rupees का डिस्काउंट। ठीक है, तो रिचार्ज कैसे करना है ये देखिए। तो डेबिट कार्ड, ATM, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जियो मनी, पेटीएम। मैंने तो बोला ना आपको रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, मैं ये रिचार्ज अभी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं अगला एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जो लाइव रिचार्ज कैसे होता है 50 rupees डिस्काउंट से। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, ट्राई कर लो। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, शायद किसी के पास होता है डेबिट कार्ड से आप कर लो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।